मॉर्निंग, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम सोसाइटी से बाहर निकले, थोड़ा रोड पे, हमने कहा थोड़ा लंबी वॉकिंग करके आते हैं, तो थोड़ा सा लेट भी हुआ है, तो मौसम अच्छा हो रखा है। चलो हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। मौसम देखो कैसे धुंधला धुंधला सा हो रखा है, देखो मुंह से धुआं भी निकल रहा है। आज हम सोसाइटी बाहर निकल गए वॉकिंग के लिए और मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। देखो कैसी धुंध लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी सी, और ठंड भी हो रही है। और ये मॉडर्न स्कूल है, और इस मॉडर्न स्कूल का कोटा में काफी बड़ा नाम है, काफी अच्छे नंबर पे आता है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। इसका मेन ब्रांच एक और भी है, बड़ा स्कूल और दूसरी जगह। ये दोस्तों रोड अभी जो है ना काफी चौड़ी बन रही है और बन चुकी वैसे तो। और ये ठीक सामने नया नोरा मार्केट पड़ता है। चलो आगे आपको एलन दिखाते हैं। और ये हो चुका है सनराइज। और ये देखिए जगह जगह हॉस्टल ही हॉस्टल बनते जा रहे हैं। जब से ये एलन आया पूरा इस एरिया का डेवलपमेंट हो चुका है। ये देखिए ये सामने ये है एलन, जो कि नया नोरा सुपथ ब्रांच है। चलो आगे देखते हैं। और यही हमारा वॉकिंग का एरिया, वैसे काफ़ी दिनों बाद आ रहे वैसे हम। ये देखिए ये एलन है, वैसे आप हमारे वीडियो में इसको पहले भी देख चुके हैं। इसका हमने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम तो हमने स्टार्ट ही किया था, सेकंड वीडियो था हमारा वो। ये इस साइड में ये एलन है, और यहाँ इसके ठीक सामने ये पूरे हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल। और इसके अंदर एक कॉरल पार्क भी बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। बच्चे उसमें शाम को, रात को, शाम को आओ तो भीड़ ही भीड़ रहती, पूरे बच्चे ही नजर आएंगे इधर। तो ये दोस्तों इसके अंदर ये है कॉरल पार्क और हॉस्टल एरिया पूरा, ये है रेजिडेंस बच्चों का। चलो हम अभी चलते हैं वापस। यहाँ पे देखो ये नया गेट बन गया है, ये नया गेट बन गया। इधर पीछे इसका ग्राउंड है कुछ। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं वापस, क्योंकि आदि ने भी आना है इधर, उसको उठा जगाना पड़ेगा, सो रहा है अभी। मॉर्निंग वॉक और हम आ चुके हैं घर। चलो मिलते हैं, चलो देखते हैं। सोसाइटी की में आरती हो रही है, जय माता रानी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और हम आ चुके हैं अपने सोसाइटी गेट के अंदर। ये देखो हमारे फ्लैट। और मैं आ चुकी हूँ घर, चलो देखते हैं फ्रैंक की मस्ती, फ्रैंक ने क्या मस्ती करी। दरवाजे पे ही खड़ा हो रखा मेरा बच्चा। चलो चलो अंदर, चलो अंदर। देखो फ्रैंक इंतजार करता हमारा है ना फ्रैंक। कचड़ा कचड़ा वाला, ओ कचड़ो कचड़ो कचड़ो, ओ कचड़ो कचड़ो कचड़ो, कचड़ो कचड़ो, गाड़ी वाला आया, बोल कचड़ा निकाल। ओ अब फ्रैंक कैसे सुनता है देखो ये गाना, फ्रैंक को सब समझ में आ रहा जैसे कि। और मैं भी आपको दिखाती हूँ फ्रैंक को, ये देखो फ्रैंक सारी रोटी इकट्ठी करके यहाँ रखा हुआ है। फ्रैंक ये रोटी क्यों रखी हुई है यहाँ, देखो इसका एटीट्यूड, अभी देखना इसके नखरे। देखो घुर रहेगा, ले लू ले लू। कर रहा है, करूंगी आदि को, देखो जिद्दी का कहाँ आदि, आदि कहाँ है। हमारा छोटा सा गार्डन, और देखो मनी प्लांट कितना सुंदर हुआ,
ये देखो बहुत ही प्यारी मनी प्लांट हो रखी है हमारी। इसको ढंग से लगाना था पम्मी, ये नहीं है ना, कितनी सुंदर हरा हरा सा चौड़े पत्ते वाले मनी प्लांट। किचन में और मैंने मूली के पत्ते काट के रख दिया, सुबह ही मूली के पत्ते और मूली लेके आई हूँ मैं, और दूध भी गर्म हो चुका है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ घी भी, मैं घी घर में ही बनाती हूँ। मैंने कहा था ना कि जैसे कि फ्रीज से निकाल के रख दो पूरे रात भर, तो मलाई मतलब घी मक्खन अच्छे से निकल जाता है। देखो कितने अच्छे से निकल गया ना, मैंने मतलब 15-20 मिनट इसको फेटा तो अच्छे से निकल गया, वो भी मैंने चम्मच से ही निकाला, निकल गया। ये देखो दो मतलब कम से कम आधा किलो घी तो निकल ही जाएगा यार अपने खाने के लिए, फिर जब कम पड़ेगा मार्केट से ले आएंगे। और मैंने दाल भी रख दिया है, दोनों उसमें मेरे दूध गर्म हो गया है, एक में तो खैर मैंने आधा यूज़ कर लिया चाय के लिए। और ये मलाई 15-20 दिन पहले की मलाई है, फ्रिज में निकाल देती हूँ जब मैं दूध को जो मैं अच्छे से खिटाती हूँ, तो फिर ठंड होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसमें अच्छे से मोटी परत निकलती है ना मलाई का, इसीलिए ये 15-20 दिन पहले की मलाई है। और मैंने अब इस मलाई को मक्खन में लोहे की कढ़ाई में ही गलाती हूँ घी की, जल्दी गल जाता है और वो तो वैसे ही काले रहते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फिर उसको धोने की। अगर वैसे बर्तन में करते हैं तो वो जल उल जाता है तो धोने में बड़ी दिक्कत होती है, ठंड में तो ज़्यादा ही। चलो मैं घी निकाल, और देखो मैंने जैसे बोला मैंने देखो ये मक्खन निकाल दी, देखो कितने सुंदर मक्खन निकल गया ना। और मैं अभी इस मक्खन को धो रही हूँ, अभी एक पानी में मैंने धो लिया है और अभी एक दो पानी में और धोंगी, ताकि फिर ऐसा होता है ना कि घी बनने के बाद घी में बहुत बदबू आने लग जाती है फिर यूज नहीं कर पाते, इसलिए मैंने एक पानी में धोया। देखो यार कितना सुंदर मक्खन निकला ना, बहुत ही अच्छे से कितने अच्छे मक्खन निकल गया, आधा किलो मुझे विश्वास नहीं, यकीन है कि आधा किलो घी तो निकल ही जाएगा। और मेरा दाल भी बन गया लग रहा है। अभी मैंने बनाया था ये 1 किलो घी, अब ये ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो अभी मलाई भी बची हुई है। और घर का घी फ्रेश घी रहती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, इसलिए हमें घर पे ही जितना कोशिश करो कि घर का ही चीज़ खाओ। घी बन चुका है और मैं घी बना चुकी हूँ, और घी ठीक आधा किलो ही निकला है। और मैं अब ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। थैंक यू ऑल।